तो वाकई में यहाँ का पानी दूध जैसा सफ़ेद दिखता है। जानकारी चाहिए आपको, कैसे आप जम्मू एंड कश्मीर का टूर करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से किया जाए, किसको आप अप्रोच कर सकते हैं और कैसे किया जाए, बजट फ्रेंडली है ये पूरा, मैंने अपना बजट बना करके एकदम कॉस्ट इफेक्टिव बजट है उसमें ही ट्रैवल किया है ये, तो सारा हर एक जो कश्मीर ट्रैवल्स के वीडियो में एंड में शो कर दिया करो। तो मेक श्योर कीजिए आप हर वीडियो फुल देखिए लास्ट तक टिल दी एंड, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Shall we begin? ठंडा दोस्तों, वाकई में यहाँ का पानी दूध जैसा सफ़ेद दिखता है, मगर ऑब्वियसली पानी तो कलरलेस होता है, कलरलेस मगर जो गिरता है तो दूध जैसा सफ़ेद दिखता है, तो इतना फ्रेश है। आपने देखे मेरे हाथों में मैंने पानी लिया और इतना ठंडा है ना, मेरा हाथ ऐसा लग रहा है पता नहीं 0 degree टेम्परेचर का पानी डाल दिया किसी ने, मगर बहुत ही अच्छा है यार, माशाल्लाह। वर्थ विजिटिंग साइट्स इन द वर्ल्ड। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, मौसम बहुत सुहाना है। थोड़ा और आगे तक जाऊंगा, जो वाटरफॉल भी होता है जा रहा है। एक टाइप का कैक्टस है ये, बहुत ही अनोखा है, पता नहीं किसी ने देखा होगा नहीं देखा होगा, किसी को मालूम है इसका नाम तो ज़रूर बताइए। इसमें एक फ्लावर भी आ रहा है ये। कंस्ट्रक्शंस चालू है, पाइलिंग की और पाइल कैप्स भी डाला हुआ है। वो जो डेस्टिनेशन है जहाँ तक मैंने अपने वाइफ और बच्ची को छोड़ा हूँ, उसके बाद से ये सब पत्थर आ जाते हैं इसके लिए। कल ऐसा हुआ, मेरी वाइफ फिसल गई थी एक पत्थर पे पांव रख करके नदी पार करते ही,
तो मुझे ऐसा डर महसूस हो गया, बारिश हो रही, मुझे ऐसा डर महसूस हो गया कि अब यार आगे दूसरी जगहों पे पत्थरों पे नहीं चलाऊंगा, थोड़ा अवॉइड करूंगा फैमिली को चलाने से, तो इसीलिए मैं थोड़ा आगे आ गया, फैमिली को पीछे छोड़ाया, वापस लूँगा जाके और थोड़ा ही घुमाऊँगा, ज़्यादा नहीं, ये अंदर अंदर तक वादियों में मैं ही घूम रहा हूँ बिकॉज़ जगहों को एक्सप्लोर करना, क्योंकि हमें 1.5 से 2 घंटे का टाइम दिया गया है, तुम ये वादियों में जाओ बिकॉज़ यहाँ कार नहीं आ सकती, अगर घोड़े जाते हैं मगर घोड़े इतना हाई चार्ज करते हैं लोग, बट कोई बात नहीं, इनका भी सीजनल रहता है तो ये अपना रोज़ी रोटी चलाने के लिए चार्ज करते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आप इधर आ रहे हो तो घोड़े ही लो, आपको अगर तजुर्बा है चलने का इन पत्थरों पे चढ़ के आराम से बिना स्लिप हुए हुए वैसे शूज़ पहन करके आप आ रहे हैं तो आप चल सकते हैं, अंदर जा कर के इस घने जंगल में उनका मज़ा ले सकते हैं, यहाँ कोई भी जंगली जानवर नहीं है सिवाय 2 जानवरों के जो कि एक भालू होता है और एक चीता होता है, बट ये लोग भी बहुत कम निकलते हैं, तो इस वजह से हम खुले आम घूम सकते हैं, घोड़ों को छू सकते हैं। आपको कैसा लग रहा है मेरे साथ ये एक्सप्लोर करके, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में।